कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सदियों पुरानी एक मजार है, जहां जायरीन हर बृहस्पतिवार को आकर अपनी मन्नतें मानते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। आज अचानक यहां लोगों को फातिहा पढ़ने और चढ़ावा चढ़ाने से रोक दिया गया। इसका कारण वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों ने बताया कि DRM कानपुर ने इस कार्य हेतु मनाही किया है। वही DRM से बात करने का प्रयास किया गया तो DRM ने फोन नहीं उठाया। जायरीन मौके पर लगातार जमे हुए थे। अंततः बड़े बूढ़े के समझाने पर वह लोग वापस तो चले गए, परंतु सूत्रों की माने तो कल शुक्रवार की नमाज के बाद एक विरोध प्रदर्शन यहां हो सकता है। कानपुर से समीर मिश्रा के साथ मोहम्मद रिजवान आदिल अहमद की रिपोर्ट। हम लोग भैया 35 साल से जो है बाबा जी के भक्त हैं, बिना अपनी ड्यूटी छोड़ के बाबा के चरणों में आते हैं प्रसाद चढ़ाने। जब आज हम आए हैं तो बाबा के यहाँ बिल्कुल कर्फ्यू सन्नाटा फैल जाता, और अभी तक सैकड़ों साल से बाबा के मजार पे खूब आराम से जो है पूजा पाठ कार्यक्रम ढोल मजीरा सब कुछ बजता है, कव्वाली बढ़िया होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हमारे आते हैं बाबा के चरणों में, और जो मांगते हैं बाबा उनको दे के खुद रखते हैं अपने भक्तों। आज ये पहली दफे हो रहा है 35 साल के बाद आज मैं आया हूँ, मेरा पूरा शरीर का खून ही काला हो गया। रमेश पंडित, आपका क्या नाम है? रमेश पंडित। 35 साल से आप? जी सर, बचपन से यही कमाते हैं, यही खाते हैं। झूठे बाबा का बताओ, 20 तारीख बाबा का हड़ताल होता है। 2 साल दरबार है नहीं सवा भाई, सैकड़ों साल पुराना। आज ये है कि हमको शासन लगाने नहीं दे रहा, यहाँ बाबा को वहाँ चढ़ाने नहीं दे रहा, दरबार पूरा बंद कर दिया गया, प्रशासन पुलिस बैठा दिया है। ये ऐसा क्यों? वजह क्या बता रहे? वजह यही बता रहे कि पब्लिक परेशान, पब्लिक का ही परेशान, कैसे परेशान हो। आपके दुकान लगाते? हम दुकान लगाते हैं 40 साल से, तो हमारी परंपरा उससे पहले से मेरे बाबू लगा रहे, फिर हमने लगाया, मेरे बड़े भाई लगाए, वो खत्म हो गए। आप कितने साल से लगा रहे? हम करीब हमको 40 साल हो गए, 40 साल हो गए दुकान लगाते हुए हमको, और मेरे उससे पहले मेरे भाई बड़े बैठे थे वो लगाते चले गए, फिर उसके बाद मेरे पिताजी भी थे वो भी बैठे। ये सैकड़ों साल से परंपरा चली आ रही है, आज पहली बार ये ऐसा हुआ कि शासन ने या किसी अधिकारी ने बाहर करवाया है, तो ये अच्छा नहीं हुआ है। हम लोग क्या आगे मंदिर भी था, आगे बजरंग बली का मंदिर भी तोड़ दिया गया। ये बोलो खुल के बोलो, आज की तारीख में तोड़ा गया, बजरंग बली का मंदिर भी आ गया, वो भी तोड़ा गया, खुल के बोलो, बंद करा। ऐसा शासन तो अपना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं ये कौन कर रहा है, कार्यकाल ऐसा कर रहा है कि हम लोग का दरबार भी बंद हो रहा है, हम लोग का मंदिर की पूजा करने स्थल बंद हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पहला चांस है जिंदगी का। ये दरगाह किस प्लेटफॉर्म पे? ये 3 नंबर बाबू, 3 नंबर एक आदमी।